गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 लेके आया हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसा व्यक्ति जो सिक्के इकट्ठा करे, सिक्के इकट्ठे करने का जिसको शौक हो उसको बोला जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। नेक्स्ट है फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स। पॉलिटिक्स में अपने चाहने चहितों को फायदा पहुंचाना, बिजनेस में या किसी और चीज में, तो उस फायदे पहुंचाने की क्रिया को बोला जाता है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। नेक्स्ट अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज, ऐसा कोई भी चीज जो प्रचलन से बाहर हो गई हो, प्रचलित ना हो, उसको बोला जाता है ऑब्सोलीट, अप्रचलित। नेक्स्ट A person who works for an employer for fixed period of time in order to learn the particular skills needed in their job. एक person, एक व्यक्ति जो कि जहाँ उसने काम करना हो उससे पहले वो उस काम से संबंधित प्रशिक्षण ले, प्रशिक्षित हो, तो उसे बोला जाता है apprentice, प्रशिक्षु, apprentice. Next, a part of word that can be pronounced separately. शब्द का एक भाग जो कि अलग से, जिसको अलग से प्रोनाउंस किया जाता है उसको बोला जाता है सलेबल, शब्दांश सलेबल। नेक्स्ट रिलेटिंग टू काइंडशिप विद द फादर, फादर से संबंधित, पितृवंश से संबंधित होना उसको बोला जाता है पेट्रालिनियल, पितृवंशीय। नेक्स्ट अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के प्रति विशेष झुकाव होना, शौक होना किसी चीज का, उसको बोला जाता है पेंचेंट। नेक्स्ट समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर में घटित, भविष्य में घटित हो सकती है उसको बोला जाता है कॉन्टेंजेंसी, जिसको जिसकी फ्यूचर में घटित होने की संभावना हो उसको बोला जाता है कॉन्टेंजेंसी। नेक्स्ट अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, गाय से संबंधित होना या गाय से संबंधित होना उसको बोला जाता है बोवाइन। और इस पार्ट का अंतिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ ड्रिंक यूजुअली मेड फॉर अ मिक्सचर और वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक से अधिक पेय पदार्थों से बनाई गई कोई ड्रिंक, मिक्सचर, उसका मिश्रण, उसको बोला जाता है कॉकटेल। तो ये पार्ट 17 का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। मिलते हैं पार्ट 18 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।